आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है रिगार्डिंग पाइथन फंडामेंटल्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था, थोड़ा वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में हमने वहाँ पे ख़त्म किया था। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज़ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे हमने लिखा 2 + 3, तो यहाँ पर जो प्लस का साइन है जो उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ एग्जांपल दिख रहा होगा, इन द एक्सप्रेशन 10 + num, ये जो एक एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको 10 + num, इसमें जो ये प्लस का साइन है, द वैल्यू 10 एंड द वेरिएबल num आर ऑपरेंट्स एंड द प्लस साइन इज़ एन ऑपरेटर। जो प्लस का साइन है वो ऑपरेटर है, और जो उसके लेफ्ट और राइट में होते हैं उनको हम ऑपरेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेंट्स, ठीक है। और जो साइन होता है दैट इज़ एन ऑपरेटर। तो पाइथन सपोर्ट्स सेवरल काइंड ऑफ ऑपरेटर्स, उनके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्रैक्टिकली मैं आपको कई बार क्लास में, ऑनलाइन क्लास में हम बात भी कर चुके हैं और मैं आपको इसकी वर्किंग भी दिखा चुकी हूँ। तो जो प्लस ऑपरेटर है वो एक्चुअली इट इज़ एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, बट इफ़ इट इज़ यूज बिटवीन स्ट्रिंग्स, अगर दोनों साइड पर उसके स्ट्रिंग्स हैं तो वो एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर काम करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है दो स्ट्रिंग्स को। कॉन्कैटिनेट करना मतलब जोड़ देता है, और अगर उसके बीच में वो दो नंबर्स के बीच में है तो वो प्लस करने का काम करेगा। तो ये जो ऑपरेटर है इसकी ओवरलोडिंग हो जाती है, मतलब कि ये अलग अलग फॉर्म ले लेता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं हम इसको, कि अगर आप नंबर्स के बीच में इसको लगा रहे हो तो एडिशन ऑपरेटर बन जाएगा, अगर आप इसको स्ट्रिंग्स के बीच में लगा रहे हो, स्ट्रिंग मीन्स वर्ड्स जो कोट्स के अंदर होते हैं, अगर आप इसको स्ट्रिंग्स के बीच में लगा रहे हो तो ये कॉन्कैटिनेशन का काम करता है। और एक ऑपरेटर है हमारा जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर है, ये जब हम नंबर्स के बीच में लगाते हैं, अगर हम लिखते हैं 2 × 3 तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई का काम करेगा, बट हाँ ये ऑपरेटर भी यूज़ होता है स्ट्रिंग के साथ। कैसे? इसको एक साइड पे स्ट्रिंग चाहिए और एक साइड पे नंबर चाहिए। अगर जैसे लिख दिया India × 2, तो दैट मीन्स वो इंडिया को दो बार रिपीट करेगा। India × इंडिया नहीं कर सकते आप, दो स्ट्रिंग्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा सकते, वहाँ एरर आ जाएगी। लेकिन दो स्ट्रिंग्स के बीच में आप प्लस का साइन लगा सकते हो, वहाँ एरर नहीं आएगी। और ऑपोजिट है कि आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा सकते, ठीक है। दूसरी बात, आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को प्लस नहीं कर सकते, लेकिन आप एक स्ट्रिंग और एक इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो दोनों ऑपोजिट्स हैं, दोनों एक तरह से एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और दोनों ही स्ट्रिंग के साथ यूज़ हो रहे हैं। ये दो ही ऑपरेटर्स हैं जो हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं, डिवाइड और बाकी जो ऑपरेटर्स हैं वो सब स्ट्रिंग्स के साथ नहीं यूज़ होंगे, वो प्योरली इंटीजर्स के साथ यूज़ होंगे, नंबर्स के साथ यूज़ होंगे। फिर हम आगे चलते हैं, और हाँ इस पर क्वेश्चन कई बार आता है, ये मल्टीप्लिकेशन वाले पे और ये प्लस वाले पे, कि आपको ऐसे दिया होगा एक str1 एक वेरिएबल दे दिया और उसमें एक वैल्यू इनपुट कर दी स्ट्रिंग की, कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कर दिया, और बाद में लिख दिया कि str1 × 2 करने से क्या होगा, मतलब स्ट्रिंग इंटू इंटीजर करने से क्या होगा। तो जितना आपने इंटीजर की वैल्यू है दी है उतनी बारी वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी, मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता इंडिया और टू, तो उतनी बारी वो रिपीट हो जाएगी विदाउट एनी गैप, कोई स्पेस नहीं आएगा बीच में। अगर ये 3 होता है यहाँ पे तो इंडिया 3 बार लिखा आता। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं पाइथन में, ये वो वाले हैं। ये टेबल है, ये उस दिन भी हमने डिस्कस किया था अपनी ऑनलाइन क्लास में टेबल को, अभी मैं आपको फिर वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ बिकॉज आपके पास फिर ये सेव्ड रहती हैं वीडियोस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, प्लस ऑपरेटर है सबसे पहला। प्लस ऑपरेटर अब हम इनको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरह यूज़ कर रहे हैं एडिशन के लिए। तो दो नंबर्स के बीच में जब प्लस का साइन लगेगा तो ऑब्वियसली वो प्लस करेगा, ठीक है। माइनस माइनस का काम करेगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई का काम करेगा, डिवीजन डिवीजन का काम करेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की बात है, डिवीजन वाला जो ऑपरेटर है जो आपको ये फोर्थ रो में दिख रहा है 5/2 आंसर आ रहा है 2.5, डिवीजन वाला ऑपरेटर जो है पूरा क्वेश्चन आपको दिखाता है विद डेसिमल, ठीक है। और इसके अगेंस्ट पहले हम ये मॉड्यूलस वाला नहीं कर रहे, हम इसके नीचे फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, डिवीजन और फ्लोर डिवीजन दोनों सेम हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ माइन्यूट सा फ़र्क है कि इसमें डिवीजन में आप देख रहे हो 2.5 आ रहा है आंसर, जबकि फ्लोर डिवीजन में सेम नंबर्स वही हैं 5/2, बट आंसर आएगा 2। फ्लोर डिवीजन क्या करता है,
ये जो डेसिमल पार्ट है इसको रिमूव कर देता है। देखो यहाँ लिखा है बाय रिमूविंग द डेसिमल पार्ट, जो इसका डेसिमल पार्ट होता है आंसर का वो रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन फ्लो डिवीजन एंड डिवीजन। और अब नम टू डिवाइड बाय नम वन किया, मतलब 2 डिवाइड बाय 5, 2 छोटा नंबर है तो 0 पॉइंट से शुरू होता है हमारा कैलकुलेशन, तो पॉइंट तो लेना ही नहीं हमने, तो आंसर क्या आएगा, 0, 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा हमारा। बट हमने क्योंकि पॉइंट नहीं लेना फ्लो डिवीजन में, तो आंसर में हमारा 0 आ गया। सिर्फ आपने जो पॉइंट से पहले वाला पार्ट है अपने वो पार्ट आंसर में लिख देना है, पॉइंट के बाद वाला नहीं लिखना, फ्लो डिवीजन में, डिवीजन में विद डेसिमल आपने आंसर लिखना है। देन अब हमारा ये एक ऑपरेटर है मॉड्यूल एस, जिसका साइन परसेंटेज जैसा होता है। ये कुछ नहीं खास, इसमें कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक रिमाइंडर फाइंड आउट करेगा, डिवाइड करेगा, जैसे हम डिवीजन करते हैं बचपन से करते आ रहे हैं। 13 को 5 से डिवाइड किया, 5 2 10, ठीक है, और नीचे रिमाइंडर क्या बचा, 13 माइनस 10 3, तो आंसर में रिमाइंडर आता है इसके, 3 आ रहा है आंसर में। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट इज़ फॉर रेज टू द पावर, तो अगर आपको किसी नंबर को रेज टू द पावर करवाना है, 3 रेज टू द पावर 4 करना है, तो दोनों के बीच में 2 स्टार लगा दो, उस ऑपरेटर को हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहते हैं, और ये रेज टू द पावर का काम करता है। इट मल्टीप्लाइज द बेस एज मेनी टाइम्स एज गिवन इन द एक्सपोनेंट, इधर वाला बेस हो गया नम वन और इधर वाला एक्सपोनेंट हो गया नम टू। अब हम आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स पे। सबसे पहला रिलेशनल ऑपरेटर जो है हमारा, दैट इज डबल इक्वल टू, कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं हम इसको। ये चेक करता है कि दोनों साइड पे जो स्ट्रिंग्स हैं या दोनों साइड पे जो नंबर हैं वो बराबर हैं या नहीं। अगर दोनों बराबर हैं तो आंसर आएगा ट्रू, अदरवाइज इनका आंसर आएगा फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स के जो आंसर्स होते हैं वो ट्रू और फॉल्स में आते हैं ज़्यादातर, ज़्यादातर नहीं मतलब हमेशा। नेक्स्ट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू अगर आप कह रहे हो नम वन इज़ नॉट इक्वल टू नम टू, ठीक है, और अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो आंसर आएगा ट्रू। अगर दोनों बराबर है और बीच में आपने नॉट इक्वल टू का साइन लगाया तो आंसर आएगा फॉल्स। ओके, जैसे आप चेक कर रहे हो 2 और 3 को, आपने लिखा 2 नॉट इक्वल टू 3, तो हम सही तो कह रहे हैं कि 2 3 के बराबर नहीं है, तो आंसर वो देगा ट्रू कि हाँ आप सही कह रहे हो। अगर मैं लिख रही हूँ 3 नॉट इक्वल टू 3, तो आंसर आएगा फॉल्स कि नहीं आप गलत कह रहे हो। देन नेक्स्ट इज़ ग्रेटर देन। बस ये ध्यान रखना है आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स कुछ भी दिया हो, क्वेश्चन कुछ भी आए, तो इनका आंसर जो है ट्रू और फॉल्स में आता है। और ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि क्वेश्चन पार्ट्स में दिया जाता है 3 इज़ ग्रेटर देन 4, आपको समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, आपने आंसर लिखना है कि क्या 3 4 से बड़ा है, नहीं है तो फॉल्स, है तो ट्रू, आंसर आपने ट्रू और फॉल्स में देखना है। उसी तरह ग्रेटर देन हो गया, उसी तरह लेस देन हो गया, उसी तरह लेस देन इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ जाता है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल इक्वल टू का साइन जो हम बचपन से मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं, ए इक्वल्स टू 3, मतलब 3 की वैल्यू ए को असाइन कर दो। कंट्री इक्वल्स टू इंडिया, मतलब इंडिया जो वैल्यू है कंट्री को असाइन कर दो, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल टू, अभी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स शुरू हो गए। प्लस इक्वल टू का फुल फॉर्म क्या है, जैसे हमने लिखना है नम, जैसे ये है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हमने लिखना है x इक्वल्स टू x प्लस वाई। इसका शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आप शॉर्ट तरीके से ये भी लिख सकते हो, x प्लस इक्वल्स टू y, x आपको दो बार ही नहीं लिखना पड़ेगा। तो सेम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर माइनस के लिए भी है, माइनस इक्वल्स टू, सेम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर मल्टीप्लाई के लिए भी है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, फ्लो डिवीजन इक्वल टू, और आपका एक्सपोनेंट इक्वल टू। देन हम आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स के भी आंसर ट्रू और फॉल्स में आते हैं हमारे।